बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शायान हुसैन और आप लोगों को एक खूबसूरत वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के कुछ दिलचस्प हकायक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क मुत्तहिदा अरब अमारात के कैपिटल अबू धाबी में वाक़िया है और इस मस्जिद का नाम मुत्तहिदा अरब अमारात के बानी और पहले सदर शेख जायद बिन सुल्तान अन नायान के नाम पर रखा गया और इस मस्जिद की तामीर सन 1996 में शुरू हुई और सन 2007 में इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई और 20 दिसंबर 2007 को इस मस्जिद को आम लोगों के लिए खोला गया। लेकिन अफसोस के साथ शेख जायद इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने से 3 बरस पहले ही यानी के 2004 को इस दुनिया से वफात पा गए। इस मस्जिद का शुमार दुनिया की बड़ी मस्जिद में शुमार होता है और ये मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें तकरीबन 40,000 के करीब लोग नमाज पढ़ सकते हैं और इसके मेन हॉल में तकरीबन 7,000 के करीब लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद की मुकम्मल तामीर सफ़ेद मार्बल से की गई है जो कि मैकेडोनिया से इंपोर्ट किया गया है। इस मस्जिद में तकरीबन 82 के करीब डोम्स हैं और सेंटर वाली डोम दुनिया की सबसे बड़ी डोम है जो कि किसी भी मस्जिद में बनाई गई है और मस्जिद के चारों कोनों पर मीनार बनाए गए हैं जिनकी ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर के करीब है जो मस्जिद की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। अगर हम लोग इस मस्जिद की दीवारों पर नज़र डालें तो उस पर मुख्तलिफ ज्योमेट्रिक पैटर्न और कुरानी आयात लिखी हुई नज़र आएंगी जिनको सोने मार्बल और दीगर कीमती पत्थरों से लिखा गया है और इसकी तामीर में दुनिया से लाए गए मुख्तलिफ कारीगरों और आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। इस मस्जिद में जर्मनी से दरामद शुदा 7 चैंडेलियर हैं और हर एक में मिलियन के हिसाब से क्रिस्टल लाइट हैं और सबसे बड़ी चैंडेलियर दुनिया की सबसे बड़ी चैंडेलियर्स में से एक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मस्जिद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की इबादत के लिए बनाई जाती है लेकिन इस मस्जिद में तमाम मज़ाहिब के लोग जा सकते हैं लेकिन गैर मुस्लिम लोगों के लिए मयारी लिबास पहनना यानी कि अपने पूरे जिस्म को ढांपना और सर को ढांपना लाजमी है। और हम लोग देखते हैं कि मस्जिद के गिर्द खूबसूरत और वसी सहन बनाया गया है जो मस्जिद की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता है। इस मस्जिद के पास कई आलमी रिकॉर्ड मौजूद हैं जैसा कि हाथ से बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कारपेट शामिल है और दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी चैंडेलियर जो कि किसी भी मस्जिद में लगाई गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया।